हे भगवान, ये कैसी रोटी बनाई है? हमारी तो किस्मत ही फूट गई जो तुझे ब्याह कर ले आए। तेरी माँ ने तुझे खाना बनाना भी नहीं सिखाया, न सब्जी में स्वाद है और न रोटी गोल बनी है। हेमा की सास भाग्यवती रोज गोल रोटी बनाने को लेकर हेमा को ताने देती है। हेमा को खाना बनाना नहीं आता है। लखनपुर गांव में हेमा अपनी सास भाग्यवती के साथ रहती है। हेमा की नई नई शादी हुई है। उसका पति योगेश शहर में मजदूरी का काम करता है और हेमा गांव में अपनी सास भाग्यवती की सेवा। लेकिन भाग्यवती हेमा से कभी खुश नहीं रहती। हेमा के माता पिता बहुत गरीब हैं, इस कारण हेमा अपनी शादी में कुछ दहेज भी नहीं लाई। भाग्यवती हेमा को कभी उसकी गरीबी के ताने देती तो कभी उसके बनाए खाने में नुक्स निकालती। बेचारी हेमा इन सब से बहुत दुखी रहती थी। भाग्यवती उससे घर के सारे काम करवाती, लेकिन फिर भी हेमा को ताने ही सुनने पड़ते थे। एक दिन, करम जली, नाश पिटी कैसा खाना बनाया है? सब्जी जली हुई है, रोटियां कच्ची, निकल जा मेरे घर से। और भाग्यवती हेमा को धक्के मार कर घर से निकाल देती है। माँ जी, मुझे घर से मत निकालो, मैं अब अच्छा खाना बनाना सीख लूंगी। जाकर अपनी माँ से अच्छा खाना बनाना सीख, उसके बाद मेरे घर आना। बेचारी हेमा के पास मायके जाने के लिए पैसे भी नहीं थे। उसका घर दूसरे गांव में था जो यहाँ से काफी दूर था। हेमा पैदल ही चलने लगी। काफी दूर चलते चलते हेमा थक गई और एक पेड़ की छांव में बैठ गई। वहां बैठकर उसने अपने मन में सोचा, काश मैं घर से कुछ खाने के लिए लेकर चलती। अब तो जोरों की भूख लगी है, यहाँ आसपास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अभी तो बहुत दूर पैदल चलना है, मेरे पास पैसे भी नहीं है। मैं भूखी प्यासी कैसे अपने घर तक पहुँच पाऊंगी? काश कि मेरे पास कुछ पैसा और खाना होता। हेमा ने इतना सोचा ही था कि उसके सामने नोटों की गड्डी और एक थाली में खाना आ गया। अरे, ये पैसे और ये खाना कहाँ से आया? तभी जिस पेड़ की छांव में हेमा बैठी थी उसमें से आवाज आई, बेटी, तुम्हें ये पैसे और खाना मैंने दिया है। लेकिन एक पेड़ भला पैसे और खाना कैसे दे सकता है? बेटी, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। मैं किसी भी दुखी इंसान की मदद कर सकता हूँ और उसे उसकी मनचाही चीज दे सकता हूँ। तुमने पैसे और खाने की इच्छा जताई थी, इसलिए मैंने तुम्हें पैसे और खाना दिया। लेकिन तुम इस जंगल में अकेली क्या कर रही हो? तब हेमा ने उस जादुई पेड़ को सारी बात बताई। बेटी, तुम्हारी परेशानी का हल मेरे पास है। बेटी, मैं तुम्हें अपना एक तना दूंगा। तुम उस तने से चक्की बेलन बना लेना। मेरे तने से बना हुआ चक्की बेलन भी मेरी तरह ही जादुई होगा। उससे अपने आप गोल रोटियां बनने लगेंगी। बस तुम्हें उस चक्की बेलन के सामने अपने मन की इच्छा बतानी है और जो भी तुम्हें चाहिए वो चक्की बेलन तुम्हें दे देगी। पेड़ की बात सुनते ही हेमा बहुत खुश हो गई। उसने खुशी खुशी पहले पेट भर खाना खाया, उसके बाद जादुई पेड़ ने हेमा को अपना एक तना काट कर दिया। हेमा उस तने को लेकर वापस अपने ससुराल आने लगी। लेकिन उसने रास्ते में सोचा, अभी ससुराल चली गई तो माँ जी मुझे घर के अंदर पैर भी नहीं रखने देंगी। क्यों ना मैं अपनी माँ के घर चली जाऊँ, वहीं थोड़े दिन रहकर वहीं जादुई चक्की बेलन भी बनवा लूंगी और जब ससुराल वापस आऊंगी तब माँ जी से कह दूंगी कि मैंने खाना बनाना सीख लिया है। थोड़ी देर के बाद हेमा अपनी माँ के घर पहुँच गई और वहाँ उसने अपनी माँ गायत्री को सारी बात बताई। हेमा बेटा, तू कल ही उस जादुई पेड़ के तने से एक चक्की बेलन बनवा लेना, कुछ दिन हम भी इसके जादू का इस्तेमाल कर लेंगे। हाँ माँ, जादुई चक्की बेलन से तुम्हारी गरीबी भी दूर हो जाएगी। उस रात सब लोग खाना खाकर सो गए। दूसरे दिन सुबह हेमा ने उस जादुई पेड़ के तने से एक चक्की बेलन बनवाया। माँ, मैंने जादुई चक्की बेलन बनवा लिया है, क्यों ना हम इससे रुपए पैसे मांग कर देखें? हेमा ने जादुई चक्की बेलन को जमीन पर रख दिया और खुद उसके सामने बैठ गई और अपने मन में सोचने लगी, मेरे माता पिता बहुत गरीब हैं। काश इनके पास अच्छे पैसे होते तो इनकी गरीबी दूर हो जाती। हेमा की इतना सोचते ही जादुई चक्की पर अपने आप बेलन चलने लगी और उसमें से रुपए पैसे निकलने लगे। देखते ही देखते उस जादुई चक्की बेलन से काफी सारे रुपए पैसे निकलकर बाहर आ गए। इतने सारे रुपए! माँ, पिताजी, अब आप दोनों की गरीबी दूर हो जाएगी। मैं रोज जादुई चक्की बेलन से आप दोनों के लिए रुपए पैसे मांगूंगी। हेमा बेटी, तेरी वजह से हमारे दुख भरे दिन दूर हो जाएंगे। हेमा जितने दिन भी अपने मायके में थी वो जादुई चक्की बेलन से रोज रुपए पैसे मांगती और जादुई चक्की बेलन उसे रोज ढेर सारा रुपया पैसा देती। वो सारा धन हेमा अपने माता पिता को दे देती। इस तरह से हेमा के गरीब माता पिता कुछ ही दिनों में अमीर बन गए। एक दिन, माँ, पिताजी, मुझे यहाँ आए हुए काफी दिन बीत गए हैं, अब मुझे अपने ससुराल जाना चाहिए। ठीक है हेमा बेटी, लेकिन वहाँ पर तुम अपना और इस जादुई चक्की बेलन का ख्याल रखना। माता पिता से गले मिलकर हेमा वापस अपने ससुराल जाने के लिए चल पड़ी। हेमा के माता पिता ने उसे और उसकी सास के लिए काफी सारे महंगे कपड़े और गहने दिए। सारा सामान और जादुई चक्की बेलन लेकर हेमा अपने ससुराल पहुँची।
आ गई महारानी, इतने दिन मायके रहकर आई हो। माँ ने कुछ सिखा कर भेजा है या नहीं? माँ जी, मैं अब घर का सारा काम सीख कर आई हूँ। मैं खाना बनाना और गोल रोटियाँ बनानी भी सीख कर आई हूँ। तभी भाग्यवती की नज़र हेमा के थैले पर गई। थैले में क्या लेकर आई हो? माँ और पिताजी ने आपके लिए कुछ कपड़े और गहने भेजे हैं। हेमा ने कपड़े और गहने निकालकर भाग्यवती को दे दिया, जिसे देखकर भाग्यवती चौंक गई। ये तो बहुत महंगे कपड़े हैं, और ये सोने के जेवर? तुम्हारे माता पिता के पास इतना पैसा कहाँ से आया? तभी भाग्यवती की नजर हेमा के थैले में रखी जादुई चक्की बेलन पर गई। ये क्या लाई हो? चक्की बेलन? यहाँ चक्की बेलन नहीं थी क्या? तुम्हें मायके से चक्की बेलन लाने की क्या जरूरत पड़ गई? वो माँ जी, मैंने इसी चक्की बेलन पर गोल रोटियाँ बनानी सीखी है, इसलिए मैं इसे अपने साथ ले आई। दूसरे चक्की बेलन पर मुझसे गोल रोटियाँ नहीं बन पाती है ना। चल ठीक है, अब सारा सामान रख दे और जल्दी से खाना बना। हेमा मन में सोचती है, सफर से थक कर आई हूँ, मुझसे अभी खाना नहीं बनाया जाएगा, क्यों ना जादुई चक्की बेलन से ही खाना मांग लूँ। हेमा अपनी जादुई चक्की बेलन लेकर रसोई में चली गई और चक्की बेलन को जमीन पर रख कर उसके सामने बैठ गई और मन ही मन सोचने लगी, काश मेरे सामने ढेर सारा स्वादिष्ट खाना आ जाता। हेमा के इतना सोचते ही जादुई चक्की पर बेलन अपने आप चलने लगी और उसमें से ढेर सारे पकवान, सब्जी, रोटी सब निकल कर आ गए। ये देखकर हेमा बहुत खुश हो गई। हेमा ने अपनी सास भाग्यवती के पास जाकर कहा, माँ जी खाना बन गया है, आप चलकर खाना खा लीजिए। हैं? इतनी जल्दी खाना बन गया? अरे खिचड़ी बना दी क्या? भाग्यवती गुस्से में रसोई घर में जाती है और वहाँ ढेर सारे पकवान देखकर हेमा से कहती है, इतनी जल्दी इतना सारा खाना तूने कैसे बना लिया? माँ जी, मैंने सारा खाना बनाना सीख लिया है, अब मैं मिनटों में बहुत सारा खाना बना सकती हूँ। भाग्यवती को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन उसने भरपेट खाना खाया। बहू, खाना तो तूने बहुत अच्छा बनाया है, तुझे घर से निकालने का एक फायदा तो हुआ कि तूने अच्छा खाना बनाना सीख लिया। हेमा मन में सोचती है, माँ जी फायदे तो मुझे बहुत हुए हैं, लेकिन आप जाने दीजिए, आप सिर्फ खाना खाइए। इसी तरह दिन गुजरने लगे। हेमा अपनी जादुई चक्की बेलन से जब भी खाना मांगती उसके सामने मिनटों में खाना आ जाता। कुछ दिनों के बाद हेमा का पति योगेश घर आया। उसे परेशान देखकर हेमा ने उससे पूछा, क्या बात है, आप जब से शहर से आए हैं परेशान लग रहे हैं। क्या बताऊं हेमा, शहर से आते समय सोचा था तुम्हारे और माँ के लिए कपड़े ले लूंगा, लेकिन शहर में जो मजदूरी मिलती है वो वहीं रहने और खाने में खर्च हो जाती है। तुम्हें और माँ को हर महीने जो थोड़े पैसे भेजता हूँ उसके बाद मेरे पास कुछ नहीं बचता। आप परेशान मत हो, अब हमें पैसों की कोई परेशानी नहीं होगी और अब आपको शहर जाकर मजदूरी करने की भी कोई जरूरत नहीं है। ये क्या कह रही हो हेमा, मजदूरी नहीं करूंगा तो यहाँ तुम्हारा और माँ का गुजारा कैसे होगा? मेरे पास उसका बहुत अच्छा उपाय है। हेमा ने योगेश को जादुई चक्की बेलन के बारे में सब कुछ बता दिया और उसे जादुई चक्की बेलन से ढेर सारे पैसे भी निकाल कर दिए। लेकिन ये सब करते हुए भाग्यवती ने देख लिया, तो ये राज है, जादुई चक्की बेलन से हेमा रुपए, पैसे, खाना सब कुछ मांग सकती है। मैं इस जादुई चक्की बेलन को चुरा लूंगी। हाँ, उस रात जब सब लोग खाना खाकर सो गए तब चुपके से भाग्यवती ने चक्की को हाथ लगाया, बेलन अपने आप उठकर हेमा की पिटाई करने लगी। बेलन की ताबड़तोड़ मार खाकर हेमा दर्द से चिल्लाने लगी, अरे अरे कोई मुझे बचाओ, इस बेलन को रोको नहीं तो ये बेलन मुझे मार डालेगा। भाग्यवती की चीख सुनकर हेमा और योगेश दौड़ कर वहाँ गए। हेमा ने अपने मन में सोचा, काश इस बेलन से माँ जी की और पिटाई हो जाती। बस फिर क्या था, बेलन ने भाग्यवती को और जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया। मार खाकर भाग्यवती बेहोश हो गई। हेमा, इस जादुई बेलन को रोको नहीं तो माँ मर जाएगी। हेमा ने मन में सोचा, काश अब ये बेलन रुक जाए, और जादुई बेलन रुक गई। हेमा और योगेश ने भाग्यवती की मरहम पट्टी की। भाग्यवती को अब सबक मिल चुका था, उसने कसम खाई कि वो जादुई चक्की बेलन को कभी हाथ नहीं लगाएगी। अजी सुनते हो, हमारे जंगल के करीब शहर से कुछ डॉक्टर आए हुए हैं और वो यहाँ के आदिवासियों का मुफ्त इलाज कर रहे हैं। हाँ विमला, कल मैंने भी उनको देखा था। मैं सोच रही थी कि हमारी अंजलि बिटिया को हर समय बुखार रहता है, तो क्यों ना कल हम उस कैंप में किसी डॉक्टर को दिखा दें। मेरे भी दिमाग में यही बात चल रही है, लेकिन अपनी बिटिया को वहाँ ले जाने से डरता हूँ। डॉक्टर को दिखाने में भला किस बात का डर? विमला, हम गरीब आदिवासी जंगली लोग हैं,
हमारे तौर तरीके और रहने का ढंग शहर वालों से अलग है। हम कपड़े नहीं पहनते, आज भी पत्ते ढककर अपने शरीर को छुपाते हैं। अगर हमारे पास कुछ है तो वो इज्जत, और ये शहर वाले हम जंगल में रहने वाले आदिवासियों की इज्जत को कुछ नहीं समझते। कहना क्या चाहते हैं आप? मैं यही कहना चाहता हूँ विमला, कि शहर वाले नजर के अच्छे नहीं होते। छोड़िए जी, हम अपनी बिटिया रानी को साथ लेकर चलेंगे। हमारे होते हुए कोई भी हमारी बिटिया रानी पर बुरी नजर नहीं डाल सकता। अगर तुम कहती हो तो कल सुबह हम अपनी बिटिया रानी को डॉक्टर को दिखाने के लिए ले जाएंगे। संपत का परिवार एक बेहद गरीब आदिवासी परिवार था जो अपने कबीले के साथ रहता था। संपत की एक बेटी थी जो बहुत सुंदर थी, जिसका नाम मोहिनी था। मोहिनी अब जवान हो चुकी थी। संपत और विमला मोहिनी के विवाह के लिए बहुत चिंतित रहते थे। मोहिनी को कुछ समय से बुखार रहता था और संपत ने उसके इलाज के लिए अपने जंगली आदिवासी कबीले के तमाम नुस्खे आजमाए, लेकिन मोहिनी को कोई फायदा नहीं मिला। पर कुछ दिनों पहले उनके गांव में शहर से एक डॉक्टरी कैंप लगा था। विमला उसी कैंप में मोहिनी को दिखाने के लिए संपत से बोल रही थी। दूसरे दिन संपत और विमला अपनी बेटी मोहिनी को उस कैंप में ले गए। उसी कैंप में एक सुंदर नौजवान डॉक्टर भी कपड़े पहने हुए वहीं बैठा हुआ था। वो संपत की ओर देखकर बोला, मेरा नाम डॉक्टर राहुल है, बोलिए क्या तकलीफ है आपको? संपत ने हाथ जोड़कर राहुल से कहा, तकलीफ मुझे नहीं डॉक्टर बाबू, मेरी बिटिया मोहिनी को है, इसे बहुत दिनों से बुखार है। राहुल की नजर जैसे ही मोहिनी पर पड़ी तो वो मोहिनी को देखता ही रह गया। मोहिनी ने अपना शरीर अपने जंगली आदिवासी कबीले के मुताबिक पत्तों से ढक रखा था। मोहिनी बहुत सुंदर थी। राहुल ने मोहिनी के कुछ ब्लड टेस्ट किए और कुछ दवाइयां संपत को देकर बोला, कल तक मोहिनी की ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट तैयार हो जाएगी, तब तक आप ये दवाइयां ले जाइए और उन्हें खिला दीजिए, और हाँ कल उन्हें लेकर जरूर आइएगा। संपत अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चला गया और डॉक्टर मोहिनी को जाता हुआ देखता रहा। दूसरे दिन संपत और विमला अपनी बेटी मोहिनी को साथ लेकर आ गए। मैंने मोहिनी की ब्लड रिपोर्ट देखी थी, जो नॉर्मल है। मोहिनी को वायरस बुखार है, जो मैंने दवाइयाँ दी है उसी से ठीक हो जाएगा। कल आप फिर आकर मुझे एक बार दिखा देना। इतना कहकर राहुल मोहिनी को देखकर मुस्कुराने लगा। मोहिनी भी राहुल को देखकर मुस्कुराने लगी। कुछ देर के बाद मोहिनी अपने माता पिता संपत और विमला के साथ वहाँ से चली गई। राहुल को ऐसा करते देख उसके साथ ही नितिन ने राहुल से कहा, ये सब क्या है राहुल, आखिर तू क्या करना चाह रहा है? तू कहना क्या चाहता है? तू अच्छी तरह से जानता है मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं तेरे इरादों को अच्छी तरह से जानता हूँ। वो आदिवासी बहुत सीधे साधे लोग हैं। तो मैं कौन सा उन्हें परेशान कर रहा हूँ? राहुल, मैं जानता हूँ तेरी नज़र मोहिनी की खूबसूरती पर है। तू ना जाने कितनी लड़कियों को धोखा देकर उनकी जिंदगी बर्बाद कर चुका है, लेकिन मोहिनी के साथ ऐसा मत करना। एक सीधी सादी आदिवासी लड़की है। अब जब जान ही गया है तो अपना मुंह बंद रख। वैसे भी अब हम लोगों को यहाँ पर 7-8 दिन ही रहना है। सरकार ने हमें मरने के लिए इन भिखारियों के साथ इस जंगल में छोड़ दिया है, तो क्या मैं इन लड़कियों के साथ एंजॉय भी नहीं कर सकता? लड़कियाँ एंजॉय करने के लिए नहीं होती राहुल, ये बेचारे भोले भाले मासूम लोग हैं, कम से कम इन्हें तो बख्श दे। लेकिन राहुल ने नितिन की बात को नजरअंदाज कर दिया। दूसरे दिन मोहिनी के माता पिता मोहिनी को लेकर फिर से राहुल के पास आ गए। राहुल ने अपनी मीठी मीठी बातों में मोहिनी के माता पिता को फंसा लिया। मोहिनी का पिता, जो कि शहर के लोगों पर विश्वास नहीं करता था, राहुल ने उसे मीठी बातों की ऐसी घुट्टी पिलाई कि उसे राहुल पर बहुत विश्वास हो गया। धीरे धीरे राहुल मोहिनी के घर पर आने जाने लगा। राहुल मोहिनी के शरीर का दीवाना होता जा रहा था। एक दिन उसने मौका देखकर मोहिनी से अपने मन की बात कही। मोहिनी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। प्यार तो मैं भी तुमसे मन ही मन में करती हूँ, लेकिन हमारा और तुम्हारा कोई मेल नहीं। तुम शहर के हो और मैं एक जंगली आदिवासी, हम दोनों का कभी मिलन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता मोहिनी, भले ही तुम आदिवासी हो लेकिन हो तो इंसान। इतना बोलकर राहुल ने मोहिनी को छूने की कोशिश की। नहीं राहुल, हमारे बीच ये सब शादी से पहले नहीं हो सकता। तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो तुम्हें हमारे कबीले के नियम के मुताबिक मेरे माँ और बाबा से शादी की इजाज़त लेनी होगी। अगर वो इजाज़त देंगे तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। राहुल समझ गया कि मोहिनी शादी से पहले उसे अपने शरीर को हाथ नहीं लगाने देगी। ठीक है मोहिनी, मैं आज ही तुम्हारे बाबा से बात कर लूंगा। शाम को राहुल मोहिनी के घर पर पहुंच गया और उसने बड़े मासूमियत भरे अंदाज में मोहिनी के पिता के सामने हाथ जोड़कर कहा, देखिए मैं मोहिनी से प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ, और मोहिनी भी मुझे पसंद करती है। हमारा और तुम्हारा कोई मेल नहीं है, तुम शहर के रहने वाले हो और हम जंगली आदिवासी। हम अपनी बेटियों की शादी अपने कबीले में ही करते हैं। तो क्या हुआ, आखिर हम दोनों है तो इंसान ही, भगवान ने हम दोनों को इंसान ही बनाया है। हमारा सरदार इसकी कभी इजाज़त नहीं देगा। आदिवासी नियम के मुताबिक हम कबीले से बाहर अपनी बेटियों की शादी नहीं करते। अगर ऐसी बात है तो मैं हमेशा आपके साथ ही रहूंगा, आपके जैसा बनकर। अब तो आपको कोई ऐतराज नहीं? अगर ऐसी बात है तो मुझे कोई ऐतराज नहीं, मैं अपने कबीले के सरदार से बात कर लूंगा।
संपत ने दूसरे दिन अपने कबीले के सरदार के सामने बात रखी। ठीक है, अगर वो लड़का हमारे समुदाय में हमारे जैसा ही बनकर रहना चाहता है तो हमें कोई एतराज नहीं। दूसरे दिन राहुल और मोहिनी की शादी कबीले के नियम के मुताबिक धूमधाम से हो गई। कबीले के लोगों ने उस रात खूब जश्न मनाया। राहुल अंदर ही अंदर बहुत खुश था। वो बस मोहिनी के शरीर को पाना चाहता था। उसके मन में यही चल रहा था कि वो मोहिनी के शरीर से खेलकर उस जंगल से रफा दफा हो जाएगा और अगर बात ज्यादा बिगड़ेगी तो वो अपने रास्ते से मोहिनी को हटा देगा, क्योंकि राहुल पेशे से एक डॉक्टर था। शादी के कुछ महीनों तक राहुल ने मोहिनी के शरीर का जी भर कर भोग विलास कर आनंद लिया और आदत के मुताबिक उसका जी अब मोहिनी से भर गया। कुछ महीनों के बाद जब राहुल को ये पता लगा कि मोहिनी के गर्भ में उसका बच्चा है तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया। अब उसने मोहिनी के ऊपर ध्यान देना बंद कर दिया था। वो अब मोहिनी से अपना पीछा छुड़ाने की सोचने लगा। नवरात्रि की पूजा जोर शोर से चल रही थी। मोहिनी माँ दुर्गा की बहुत बड़ी भक्त थी। नवरात्रि की पूजा में मोहिनी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी। उसी रात राहुल ने अपने दिमाग में एक योजना बनाई। उसने दवाइयों के जरिए एक जहर का इंजेक्शन तैयार किया और वो मोहिनी के पास पहुंच गया। मोहिनी पूजा कर रही थी। मोहिनी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सुबह कर लेना, आज नवरात्रि की पूजा है। देख नहीं रहे मैं पूजा कर रही हूँ? नवरात्रि की पूजा बाद में कर लेना। नहीं राहुल, अगर मैं पूजा से उठी तो माँ दुर्गा नाराज हो जाएंगी। सिर्फ कुछ देर की बात है, तुम अपने पति की इतनी सी बात नहीं मान सकती, जबकि मैं तुम्हारे प्यार में सब कुछ छोड़कर तुम्हारे कबीले में शामिल हो गया। राहुल के बार बार जिद करने से मोहिनी तैयार हो गई। राहुल मोहिनी को जंगल की तरफ ले आया और उसने मोहिनी को इंजेक्शन लगा दिया। ये किस लिए लगाया? इसलिए ताकि तू और तेरा बच्चा मर जाए। राहुल की बात सुनकर मोहिनी हक्का बक्का राहुल की ओर देखने लगी। ये कैसी बात कर रहे हैं आप तो मेरे पति हैं। मोहिनी की बात सुनकर राहुल गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने मोहिनी को बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया। इंजेक्शन का नशा मोहिनी पर हावी हो चुका था। वो चाहकर भी अपना बचाव नहीं कर पा रही थी। वो दर्द से कराह रही थी। राहुल जानवरों की तरह उसे मार रहा था। जब राहुल पीटते थक गया। वैसे मैं चाह रहा था कि तुझे छोड़कर चला जाऊंगा, लेकिन फिर मेरे मन में ख्याल आया कि मेरा बच्चा तुझ जैसे जंगली औरत के साथ रहेगा। मोहिनी रोते हुए बोली, आप तो मुझसे बहुत प्रेम करते थे। अपनी बकवास बंद कर, मैं तुझसे कोई प्रेम नहीं करता था, बल्कि मैं तेरे शरीर से खेलना चाहता था। मैंने आज तक बहुत सी लड़कियों के साथ संबंध बनाए, लेकिन मजबूरी में मुझे तेरे साथ शादी करनी पड़ी। मैं नहीं जानता था कि तू इतनी जल्दी प्रेग्नेंट भी हो जाएगी। मैंने तेरे शरीर में जहर का इंजेक्शन लगा दिया है, कुछ ही देर में ये जहर तेरे पूरे शरीर में फैल जाएगा। इतना बोलकर राहुल वहाँ से चला गया। मोहिनी बेचारी लड़खड़ाती हुई बड़ी मुश्किल से अपने कबीले तक पहुँची। मोहिनी वहाँ पहुँच कर अचानक गिर गयी। मोहिनी को गिरता देख मोहिनी के माता पिता और कबीले वाले घबरा कर मोहिनी के पास आ गए। मोहिनी के पिता ने घबरा कर कहा, तुझे क्या हुआ बेटी? तेरा पति तेरे साथ गया था ना, वो कहाँ है? मोहिनी ने लड़खड़ाती हुई आवाज में अपने पिता को सारी बात बता दी। मोहिनी की बात सुनकर वो फूट फूट कर रोने लगे। मोहिनी का चेहरा नीला पड़ चुका था। अचानक मोहिनी को प्रसव का दर्द उठा। कबीले की औरतों ने मोहिनी को घेर लिया और कुछ देर बाद कबीले की दाई ने निराश होकर कहा, जहर पूरे शरीर में फैल चुका है, माँ और बच्चा दोनों में से शायद ही कोई बचे। हे माँ दुर्गा, मेरी बेटी तेरी भक्त है, क्या तू अपने भक्तों को नहीं बचाएगी? मेरी बेटी ने तेरी पूजा की है। अचानक एक तेज रोशनी उठी और देखते ही देखते रोशनी पूरे जंगल में फैल गई। सबने देखा कि माँ दुर्गा उस रोशनी में से बाहर निकलकर उन सबके सामने आकर खड़ी हो गई। सभी लोग माँ दुर्गा के सामने झुक गए। माँ दुर्गा ने अपना हाथ आगे किया और उसमें से एक रोशनी चमकती हुई मोहिनी के शरीर पर पड़ी। देखते ही देखते मोहिनी का शरीर सही होने लगा और कुछ ही देर में मोहिनी ने एक बेटे को जन्म दिया। मोहिनी उठकर माँ दुर्गा के चरणों में गिर गई। बेटी घबराओ नहीं, तुम्हारा पति एक धोखेबाज है, मैं देख रही हूँ। उसका साथी नितिन उसे यहाँ पर घसीटता हुआ लेकर आ रहा है। तभी अचानक नितिन राहुल को घसीटता हुआ वहाँ पर ले आया। नितिन साक्षात माँ दुर्गा को देखकर अचानक उनके चरणों में गिर गया और बोला, माँ दुर्गा मुझे माफ कर दो, मैं भी बराबर का दोषी हूँ। मुझे राहुल के इरादे के बारे में शुरू से पता था, अगर मैं वक्त रहते ही बता देता तो मोहिनी का ये हाल ना होता। ये भाग रहा था, मैं समझ गया कि ये जरूर कुछ गलत करके आया है। राहुल को देखकर माँ दुर्गा की आंखों में अंगारे दहकने लगे और उन्होंने अपना एक हाथ आगे बढ़ाया। उनके हाथों से भयंकर ज्वाला निकली और देखते ही देखते राहुल जलकर भस्म हो गया। माँ दुर्गा ने नितिन की ओर देखकर कहा,
तुम अपने पापों का प्रायश्चित कर सकते हो, तुम अंदर से अच्छे इंसान हो। तुम चाहो तो मोहिनी के बच्चे को अपना सकते हो और मोहिनी से शादी कर सकते हो। मेरी कृपा तुम पर हमेशा बनी रहेगी। मैं आपका आदेश कैसे ठुकरा सकता हूँ माँ? मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम दोनों के साथ रहेगा। नितिन ने मोहिनी से शादी कर ली और उसने मोहिनी के बच्चे को अपना नाम भी दिया।